शो न्यू इंडिया संकल्प में आप सभी का स्वागत करने के लिए मैं नमिता सचदेव हाजिर हूँ। दोस्तों, हर साल जब भी बजट आने वाला होता है या बजट डिक्लेयर किया जाता है तो लोगों की बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस होती हैं। अगर हम सैलरीड इनकम की बात करें तो उनकी एक्सपेक्टेशन टैक्सेशन को लेकर होती हैं। अगर हम फार्मर्स की बात करें तो उनकी अलग एक्सपेक्टेशंस होती हैं। ओवरऑल रूरल इंडिया की बात करें तो उनकी भी अपनी एक्सपेक्टेशंस होती हैं, यूथ की होती हैं, वुमेन ऑफ द कंट्री की होती हैं। तो ढेर सारे जो लोग हैं वो एक उम्मीद टिका लेते हैं कि इस बार का बजट हमारे लिए किस तरह से खास होने वाला है। और जब 2019 में ये इंटरिम बजट डिक्लेयर किया गया इंटरिम फाइनेंस मिनिस्टर श्री पीयूष गोयल जी की तरफ से, तो देश में कहीं ना कहीं खुशी की लहर तो दौड़ी गई। क्यों? उस पर जो हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी का कहना है, आइए सबसे पहले आपको वो सुना देते हैं, उसके बाद इस पर और डिटेल्स में चर्चा करेंगे। ये बजट जन सामान्य के सशक्तिकरण से, देश को सटीक योजनाओं के माध्यम से शक्तिशाली राष्ट्र बनाने की दिशा में एक अहम कदम है। इस बजट में मिडिल क्लास से लेकर के श्रमिकों तक, किसान उन्नति से लेकर कारोबारियों की प्रगति तक, इनकम टैक्स रिलीफ से लेकर इंफ्रास्ट्रक्चर तक, मैन्युफैक्चरिंग से लेकर एमएसएमई सेक्टर तक, हाउसिंग से लेकर हेल्थ केयर तक, इकोनॉमी को नई गति से लेकर न्यू इंडिया के निर्माण तक सबका ध्यान इस बजट में रखा गया है। साथियों, हमारी सरकार की योजनाओं ने देश के हर व्यक्ति के जीवन पर सकारात्मक प्रभाव डाला है। आयुष्मान भारत योजना का लाभ 50 करोड़ गरीबों को मिलना सुनिश्चित हुआ है। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना और सुरक्षा बीमा योजना का लाभ 21 करोड़ गरीबों को मिल रहा है। स्वच्छ भारत मिशन का लाभ 9 करोड़ से ज्यादा परिवारों को हुआ है। उज्ज्वला योजना के तहत 6 करोड़ से ज्यादा परिवारों को मुफ्त गैस कनेक्शन मिला है। प्रधानमंत्री आवास योजना की वजह से 1.5 करोड़ परिवारों को उनके अपने पक्के घर मिले हैं। अब इस बजट में 12 करोड़ से ज्यादा किसानों को, 3 करोड़ से ज्यादा मध्यम वर्ग के टैक्स पेयर परिवारों को और 30-40 करोड़ श्रमिकों को सीधा लाभ मिलना तय हुआ है। देखिए, किसानों से लेकर श्रमिकों तक और अगर हम महिलाओं से लेकर पूरी फैमिलीज तक की बात करते हैं, यूथ की बात करते हैं, तो सबको कहीं ना कहीं इस बजट से लाभ होता हुआ नजर आ रहा है, जिस तरह से देश के प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने भी अपनी स्पीच में कहा। अब आइए इस पर डिटेल्स में चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हमारे खास मेहमान हमेशा की तरह न्यू इंडिया संकल्प में। सबसे पहले मैं स्वागत करना चाहूंगी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस से इकोनॉमिक एडवाइजर मिस्टर राजीव मिश्रा जी का, आपका बहुत बहुत स्वागत सर। इसी के साथ हमारे साथ आईसीआई के चेयरपर्सन, आईबीएफ के फाउंडर, ऑथर, फिलान्थ्रोपिस्ट और इकोनॉमिक एडवाइजर श्री सुनील कुमार गुप्ता जी मौजूद हैं, उनका भी बहुत बहुत स्वागत। नमस्कार। साथ ही साथ हमारे साथ स्टार्टअप एक्सपर्ट मिस्टर दिनेश वर्मा इस वक्त हैं, उनका भी स्वागत करते हैं। वेलकम सर टू द शो। तो मेरा सबसे पहला सवाल राजीव जी आपसे है, जिस तरह से अभी अभी हमने पीएम की बाइट में सुना कि उन्होंने कहा कि हर वर्ग को, हर घर को इससे फायदा हो रहा है, जो कि इस बार बजट डिक्लेयर किया गया है। बजट जब भी डिक्लेयर होता है तो इकोनॉमी को ट्रैक पे रखने के लिए, अर्थव्यवस्था को बैलेंस में रखने के लिए डिक्लेयर किया जाता है, विच इज अ वेरी वेरी गुड थिंग। तो मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि इस बार का जो बजट है उसका जो इम्पैक्ट है मैक्रो इकोनॉमी पे वो किस तरह से पड़ेगा और आप इसे कैसे देखते हैं? इस बात को थोड़ा एलैबोरेट करने के लिए मुझे आपको कुछ एकाध टेक्निकल चीजें बतानी होंगी। एक हमारा कॉन्सेप्ट होता है पोटेंशियल जीडीपी ग्रोथ, इकोनॉमी में क्या है जी। वो बेसिकली इकोनॉमी में कैपेसिटी क्या है, वर्कफोर्स की कैपेसिटी क्या है, हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर, मशीनरी, ये सब की, हमारी लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी की, तो ये सब ध्यान में रखते हुए लोग का एक अंदाजा होता है कि जीडीपी ग्रोथ रेट का जो पोटेंशियल है वो
करीब इतना होगा. लेटेस्ट एस्टिमेट जो हमें पता है जो कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने निकाला था वो करीब 6.8% का है. ये हमारे लिए टारगेट है. लेकिन कभी कभी क्या होता है कि जब हमारा जीडीपी ग्रोथ रेट इससे एक्सीड कर जाता है कुछ समय के लिए तो इकोनॉमी ओवरहीट कर जाती है. इसको हम लोग बोलते हैं पॉजिटिव गैप, आउटपुट गैप. और ओवरहीट का मतलब है कि इन्फ्लेशन होने लगता है. तो जब ये एनडीए सरकार है जो अभी, इसके पहले जब 4-5 साल की बात थी तो उस वक्त इकोनॉमी ओवरहीट कर रहा था. अच्छा, ओके ओके. क्योंकि उस वक्त जीडीपी का जो पोटेंशियल था वो थोड़ा कम था. लेकिन पिछले 4-5 साल में जो ये प्रेजेंट गवर्नमेंट ने अपना स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स अंडरटेक किया है, जैसे कि जीएसटी हुआ, जैसे कि आपको वो न्यू बैंकिंग कोड आया है, और प्लस ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में काफ़ी सुधार हुआ है. उसका वो जो स्ट्रक्चरल रिफॉर्म लिया है उससे जीडीपी का ग्रोथ रेट काफ़ी पोटेंशियल ग्रोथ रेट हाई हो गया है. अब वो कितना हाई हुआ है हम ये अंदाज़ अभी नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन इसका एविडेंस ये है कि जैसे जैसे जीडीपी ग्रोथ बढ़ रहा है और पिछले 5 साल में 7.3% पे बढ़ा है एनुअल एवरेज, उसके बावजूद भी इन्फ्लेशन घट रहा है आपको, तो इसका मतलब कि पोटेंशियल हाई होगा. तो इसीलिए इस सरकार का ये हमेशा रहा है एफर्ट कि हम ज़्यादा से ज़्यादा ग्रोथ हासिल कर पाए. उस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखें तो इस बजट में उसकी उस दिशा की तरफ एक और कदम रखा गया है. वो आपको हम बता दें, हमारा जो ग्रॉस फिस्कल डेफिसिट है जो कि गवर्नमेंट का जो रेवेन्यूज होता है और गवर्नमेंट का खर्चा जो होता है उसके बीच का जो गैप है जो हम बोरोइंग से मीट करते हैं, वो थोड़ा हमारा इस बजट में बढ़ा हुआ है. वो जैसे प्रधानमंत्री जी ने कहा कि ये इसलिए किया गया है कि मध्यम वर्गों की सहायता हो, वो हो, तो इसका इंसिडेंटल बेनिफिट ये होता है कि इकोनॉमी में कंजम्पशन बढ़ जाता है और एक कंजम्पशन के थ्रू जो कि कुछ सालों से हो रहा है जीडीपी ग्रोथ भी बढ़ता है. तो मैं संक्षेप में ये कहना चाहूँगा कि जीडीपी ग्रोथ को बढ़ाने के लिए टूवर्ड्स एन एनहांस्ड पोटेंशियल जीडीपी ग्रोथ रेट ये बजट उस माने से भी फोकस्ड है. बिल्कुल सही, आपने बहुत अच्छी बात कही. इन्फ्लेशन की आपने बात कही तो कहीं ना कहीं जो अपनी स्पीच में लोकसभा में जब पीयूष जी डिक्लेयर कर रहे थे उन्होंने कहा था कि इस बार महंगाई की भी कमर तोड़ दी गई है, उस पर हम चर्चा करेंगे. पर फिलहाल सुनील जी आपसे जानना चाहूंगी, बड़ी खूबसूरती के साथ सर ने एक्सप्लेन किया कि किस तरह से जीडीपी बढ़ा है, इन्फ्लेशन हालांकि पिछले कुछ सालों में थोड़ा सा बढ़ा लेकिन अब उस पर जो है लगाम लगाई जा रही है. इस बार का जो बजट है वो सबके लिए बड़ा खास है ना, सब लोग उससे काफी खुश हैं. सैलरीड इनकम की बात करें, फार्मर्स की बात करें, यूथ की बात करें और वुमेन एम्पावरमेंट की बात करें, आप कहां से शुरुआत करना चाहेंगे? सबसे पहले बताइए सबसे ज्यादा फायदा किसको होने वाला है? देखिए मैं शुरुआत यहीं से करूंगा, राजीव जी ने जहां छोड़ा है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि अगर जब आपकी जीडीपी ग्रोथ रेट बढ़ती है उसके साथ यदि महंगाई भी बढ़ती रहेगी तो उसका बेनिफिट पब्लिक को नहीं मिलता. इस बार ही क्या हुआ कि हमने जो हमारा महंगाई थी उसको कंट्रोल किया, जीडीपी हमारी बढ़ रही है पहले से ज्यादा और महंगाई कम हो गई. मतलब कि जो महंगाई पहले 10% तक पहुंच गई थी, अगर हम दिसंबर का आंकड़ा देखते हैं तो 2.1 थी और अगर एवरेज देखते हैं पूरे साल की तो 4.6 थी. अच्छा, ओके. इसका मतलब ये हुआ कि महंगाई 10% से ना बढ़ के कुल 4.6% से बढ़ी. मतलब कि आपकी जेब में ज्यादा पैसा आया, मतलब पब्लिक को अपने घर के खर्चे के लिए कम पैसा स्पेंड करना पड़ा तो उनके पास ज्यादा पैसा बचा अपने और कार्यों के लिए. तो एक तरह से मैं कहूंगा कि यदि सरकार इसमें कामयाब रहती है कि हमारी जीडीपी ग्रोथ बढ़ती रहे, महंगाई ना बढ़े, तो उसका फायदा हर एक इंसान को 130 करोड़ लोगों को मिलता है. तो ऐसा बजट बहुत कम आएगा जिसमें फायदा लगभग सबको, क्योंकि ये वाला जो ये जो पॉइंट है मैं देख रहा था किसी भी टीवी डिबेट में ज्यादा आया नहीं सामने कि सबको कैसे बेनिफिट हुआ. क्योंकि महंगाई नहीं बढ़ी तो सबको बेनिफिट हुआ, एक बहुत बड़ा पॉइंट है ये. और इसके अलावा जो बजट जब भी बनता है, जैसे डेफिसिट की बात की, तो एक बजट में एक बिल्कुल आम भाषा में अगर बताना चाहूं तो जो हमारे देश का बजट है, यूनियन बजट जिसे हम बोलते हैं, और एक आम बजट, जैसे आप भी घर में बजट बनाती होंगी, तो यदि आप मान लीजिए 1 लाख रुपए कमाती हैं तो आप 1 लाख के हिसाब से बजट बनाती होंगी. यूनियन बजट उल्टा होता है, हम पहले देखते हैं कि देश को आगे बढ़ने के लिए कितना खर्चा चाहिए, उसके बाद हम देखते हैं इनकम कहां से आएगी, तो उसमें कुछ डेफिसिट रह जाती है, उसको बोरोइंग से पूरा किया, बोरोइंग से पूरा कर, उसको सरकार की कोशिश है कि 3% तक कंट्रोल करना
चाहती है सरकार, जो कि इस बार 3.4 था, जो ज्यादा नहीं है, जिसके कुछ कारण बताए गए और जो बहुत लॉजिकल थे, क्योंकि किसानों को, हमारे देश का किसान और मजदूर दो वर्ग ऐसे हैं जिसको फायदा देना बहुत जरूरी है, इनको मेन स्ट्रीम में लाना बड़ा जरूरी है, जिससे ये भी पार्टिसिपेट कर सके हमारे देश की ग्रोथ में, और उनकी खुद की भी ग्रोथ हो, उनके परिवार की भी ग्रोथ हो। बिल्कुल, किसान हमारी बैकबोन होते हैं, बैकबोन होता है। तो किसानों के बारे में जो सोचा, और पहली बार बड़ी इंपॉर्टेंट बात मुझे लगी कि जो हमने बोला कि किसानों को ये देंगे, उसका बजट में प्रोविजन भी पूरे पैसे का किया गया। जैसे हम बोलते हैं कि किसानों को 2000 रुपए की पहली किस्त मार्च से पहले मिल जाएगी, उसके लिए बजट में प्रोविजन किया 20,000 करोड़ का। 10 करोड़ किसानों को अगर 2000 दिया तो पूरे पैसे हो गए, मतलब कि बजट में प्रोविजन पूरे पैसों का है। पहले कई बार क्या होता था, जब हम बजट में प्रोविजन करते थे, जो स्कीम डिक्लेयर करते थे, उसमें बड़ा गैप होता था, उतने पैसे का बजट नहीं होता था जितनी स्कीम डिक्लेयर कर दी जाती थी। तो इस बार ये फायदा किसानों को जरूर मिलेगा, जो हमारे किसान भाई हैं, और ये उनके लिए बहुत बड़ी रकम होगी, मैं कहूंगा। क्यों बड़ी रकम होगी? क्योंकि जब देखिए, अगर किसान को जो भी कुछ पैसा मिलता है, जो वो अपने उससे कमा रहा है, और जो कि हम बोलते हैं कि मिनिमम समर्थन मूल्य से 1.5 गुना देंगे, उसके अलावा उसे जो पैसा मिलता है, उससे वो कुछ बीज खरीद सकता है, खाद खरीद सकता है, या अपने और कुछ बेनिफिट ले सकता है। और ये पहली बार हो रहा है कि उनको डायरेक्ट उनके अकाउंट में पैसा मिलेगा, डायरेक्ट ट्रांसफर। इसकी शुरुआत बहुत पहले हो गई थी, हमने खाते खोलने शुरू कर दिए थे, जनधन योजना। हाँ, आज 38 करोड़ लोगों के अकाउंट खुल गए। तो मुझे लगता है मार्च में देते हुए शायद थोड़ी दिक्कत आएगी, क्योंकि कुछ अकाउंट नहीं भी होंगे, उनके भी खुल जाएंगे। तो जो हम बोलते हैं कि सबको हम एक मेन स्ट्रीम में लाएं, सबकी बैंकिंग होनी जरूरी है, इस माध्यम से जो किसान भाई रह गए थे, उनके बैंक अकाउंट भी खुलेंगे, जिससे उन्हें बाकी बैंकिंग सुविधाओं का लाभ भी मिलना शुरू होगा। तो ये मुझे लगता है कि बजट सभी के लिए बहुत बेनिफिशियल बजट था, और इस बजट में हमने महंगाई पे काबू पाया, जीडीपी कंट्रोल जो की तू रही, जो हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट है, मतलब जितना हम बाहर के देशों को एक्सपोर्ट करते हैं और जितना इंपोर्ट करते हैं, उसका गैप को भी हमने कंट्रोल किया है, जो कि कुल 2.5% रहा है, which is a good thing. इसमें देश की कोशिश है कि मेक इन इंडिया के थ्रू मैन्युफैक्चरिंग देश में ज्यादा हो, और देश को इंपोर्ट कम से कम करना पड़े और एक्सपोर्ट ज्यादा करें। जिस दिन वो स्थिति आएगी, जो लग रहा है आने वाले समय पे, क्योंकि अगर आप देखें तो पिछले तुलना में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर बहुत आगे बढ़ रहा है, या राइट, बहुत तेजी से काम हो रहा है, तेजी से काम हो रहा है, तो उसमें ये स्थिति भी आएगी। तो मुझे लगता है सबके लिए बहुत बेनिफिशियल है। बिल्कुल, इस पर और चर्चा करेंगे आपसे, पर अभी मैं दिनेश जी से जानना चाहूंगी, टैक्सेशन को लेके भी काफी सारे नई जो वो है डिक्लेरेशन वो की गई है। सैलरीड इनकम के लिए ये वाला बजट बहुत खास है, बिकॉज उनके लिए तो एक मतलब वरदान जैसा हो गया कि 5 लाख तक की अगर आपकी इनकम है तो आपको टैक्स नहीं भरना। सो हम चाहेंगे कि आप इसे डिटेल्स में हमारे दर्शकों को बताएं। जी, मैं वहां से शुरू करता हूं जहां एक्चुअली सुनील जी ने खत्म करा। तो लोअर मिडिल इनकम ग्रुप के लिए तो सर्टनली इस बजट ने एक काफी बड़ा एक उनको बेनिफिट दिया है। तो इस बार उन्होंने क्या करा बजट में कि एक जो आपका रिबेट है, अगर आपकी इनकम 5 लाख तक है, तो उसको उन्होंने 2500 से बढ़ाकर 12500 कर दिया। और उसका इम्पैक्ट क्या हुआ कि अब पहले जो आपको 2500 रुपए की छूट मिला करती थी, अब वो बढ़ के 12500 हो गई। इसके अलावा उन्होंने एक बहुत इम्पोर्टेंट चेंज और किया कि उन्होंने एक स्टैंडर्ड डिडक्शन जो पिछले बजट में अलाउ करी थी, उसको भी 10000 रुपए से बढ़ा दिया। उसका इम्पैक्ट ये रहा कि जिसकी आमदनी सैलरी से आमदनी अगर 5 लाख रुपए तक की है, तो उसको एडिशनल 1000 रुपए का बेनिफिट एनुअली इससे भी हो गया। तो ओवरऑल अगर आप देखोगे तो लोअर मिडिल इनकम ग्रुप के हाथ में, जिनकी तनख्वाह 5000 तक रहती है, उनको लगभग 13500 रुपए सालाना आपको इसमें बचेगा। अब इसमें सिर्फ मिडिल क्लास को, लोअर मिडिल क्लास को ही फायदा नहीं हुआ। जी। जिनकी सैलरी ज्यादा थी उनको ज्यादा बेनिफिट नहीं हुआ, बट उनको भी बेनिफिट हुआ, क्योंकि जब स्टैंडर्ड डिडक्शन को आपने 10000 से बढ़ाया, अगर आप 35% के स्लैब में थे, तो आपको भी 3500 रुपए का जो बेनिफिट है टैक्स के अंदर, वो ओवरऑल इसमें मिलता है। उसके अलावा एक दो बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें थी। अब मान लीजिए अगर आपके पास कोई और सोर्स ऑफ इनकम नहीं है और आपका जो इनकम आ रहा है वो सिर्फ बैंक के ब्याज से आ रहा है, तो क्या एक प्रोविजन था इनकम टैक्स में कि जब आपका ब्याज 10000 रुपए से ज्यादा होता था, तो बैंक एक सोर्स के ऊपर टैक्स काटता है, जिसे हम टैक्स डिडक्शन एट सोर्स या विदहोल्डिंग टैक्स बोलते हैं। तो वो उसकी लिमिट जो थी वो 10000 थी। अब क्योंकि काफी सारे लोग ऐसे हैं जिनकी और सोर्सेज से इनकम नहीं है, तो गवर्नमेंट ने क्या करा है इस बजट में कि वो 10000 रुपए की जो टैक्स डिडक्शन एट सोर्स की लिमिट थी, उसको 10 से बढ़ाकर 40000 कर दिया। कि अगर अब आपके पास किसी और सोर्स से इनकम नहीं है और अगर आप 40000 रुपए कमाते हैं और वो ब्याज से आ रहा है बैंक के एफडी से, तो अब बैंक सोर्स के ऊपर उसका टैक्स नहीं काटेगा। इसका बेनिफिट क्या होगा,
पहले क्या होता था कि आपकी इनकम टैक्सेबल नहीं बनती थी, बट आपका टैक्स सोर्स पे कट जाता था, तो आपको टैक्स का रिटर्न फाइल करना पड़ता था उस रिफंड को लेने के लिए, तो उसमें काफी गैप आ जाता था। अभी जबकि गवर्नमेंट ने अब प्रोसेसिंग जो रिटर्न्स की है वो बड़ी फास्टर कर दी है, अब तो 2 से 3 महीने के अंदर अंदर आपके रिफंड्स आने शुरू हो जाते हैं, बट फिर भी आपको साल खत्म होने तक का एक इंतजार करना पड़ता था कि ये साल खत्म हो, आप रिटर्न फाइल करें और फिर आपका 2 महीने बाद आपका रिफंड आए, तो इससे काफी एक रिलीफ जो है अगेन लोअर मिडिल इनकम ग्रुप को मिलने वाली है। इसी तरह से एक धारा थी जब आपको प्रॉपर्टी का किराया मिलता है। अच्छा, प्रॉपर्टी के किराए के ऊपर हम चर्चा करने वाले हैं, लेकिन उसके लिए हम थोड़ा सा इंतजार करते हैं, क्योंकि अभी हम यहाँ पर सभी दर्शकों को दिखाना चाहते हैं कि इंटरिम फाइनेंस मिनिस्टर श्री पीयूष गोयल जी ने अपने बजट डिक्लेरेशन में क्या कुछ कहा, आइए देखते हैं। इंडिविजुअल टैक्स पेयर्स having taxable annual income up to rupees 5 lakhs will get full tax rebate. Even persons having gross income up to rupees 6.5 lakhs may not be required to pay any income tax if they make investments in provident funds, specified savings, insurance, etc. पीएम किसान नाम की एक ऐतिहासिक योजना इस सरकार ने मंजूरी की। पीएम किसान इस योजना के तहत जो वल्नरेबल किसान हैं, जो छोटी जमीन रखते हैं, 2 हेक्टेयर तक की जिनकी जमीन है, 2 हेक्टेयर तक की जमीन को उन सभी को सीधा उनके इनकम में सपोर्ट, डायरेक्ट इनकम सपोर्ट 6,000 रुपए प्रति वर्ष के हिसाब से देने का निर्णय सरकार ने किया है। Our government proposes to launch a mega pension योजना, namely प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन। प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन will be for the organized sector workers with monthly income up to rupees 15,000. This pension yojana shall provide them an assured monthly pension of rupees 3,000 after they achieve the age of 60 years. इतनी सारी खास स्कीम्स का ऐलान किया गया जो कि पूरे देश भर के लिए, पूरी इकोनॉमी के लिए बहुत अच्छी कही जा रही है। और आपको ये भी बता दें कि श्री पीयूष गोयल जी पहले ऐसे फाइनेंस मिनिस्टर हैं जिन्होंने टैक्स पेयर्स का शुक्रिया किया है। ये एक बहुत बड़ी बात है और एक बहुत ही अच्छी बात है। इनफैक्ट यहाँ पर जब हम टैक्स की बात कर रहे थे दिनेश जी, हम आगे प्रॉपर्टी टैक्स के बारे में जाने वाले थे, जिसके बारे में पीयूष जी ने भी अपने इसमें कहा है डिक्लेरेशन में, क्या कहना चाहेंगे आप उस पर? देखिए, जहाँ पे अभी हम बातचीत कर रहे थे, तो एक प्रोविजन हमारे इनकम टैक्स एक्ट में था कि अगर आपके पास कोई और इनकम नहीं है और अगर आपकी प्रॉपर्टी किराए पे आपने दी हुई है, तो अगर आपका सालाना किराया 18,000 रुपए से ऊपर होता था, तो जो आपका टैक्स, जो आपको रेंट वो देता था, वो उसको टैक्स काटना पड़ता था। अच्छा, ओके। अब उस लिमिट को भी बढ़ाकर इन्फ्लेशन के हिसाब से थोड़ा एडजस्ट करके उसको भी 2,40,000 कर दिया गया। और अगर पीयूष गोयल जी ने एक बात कही कि 6,50,000 रुपए तक की अगर आपकी आमदनी है, एक्चुअली मैं आपको एक इलस्ट्रेशन से समझाऊंगा, ये 6.5 लाख नहीं, ये एक बहुत बड़ी खबर है हमारे लोअर इनकम टैक्स पेयर्स के लिए। ये 6.5 लाख नहीं, अगर एक्चुअली आप 10 लाख रुपए तक कमाते हैं, तो आप 10 लाख रुपए तक जो है आपके ऊपर अब किसी तरह का कोई टैक्स लगेगा नहीं, अगर आप ठीक से इन्वेस्टमेंट करते, अगर आपको ठीक से इन्वेस्टमेंट करनी है। मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ, मान लीजिए आपकी सालाना आमदनी या सालाना इनकम जो है वो 10 लाख रुपए है, आप ATC के अंदर जो आप इन्वेस्टमेंट करते हो, आप PPF में करते हो, आपका एम्प्लॉयर डिडक्शन करता है, आप इंश्योरेंसेस लेते हो, आपके बच्चों की फीस जाती है, तो 1.5 लाख रुपए तक की एक रिबेट का जो प्रोविजन ऑलरेडी ATC में है। उसके अलावा 50,000 रुपए अगर आप नेशनल पेंशन स्कीम में डाल देते हो, तो उसकी आपको एडिशनल एक छूट मिलती है। अब इसके बाद एक 50,000 रुपए की स्टैंडर्ड डिडक्शन ऑलरेडी उन्होंने इस बजट में आपके लिए प्रपोज कर दी है, जो 40 से बढ़ाकर 50 कर दी है। इसके अलावा मान लीजिए अगर आपने एक घर जो है वो लोन लेके खरीदा था, और उस होम लोन के ऊपर क्योंकि आपको 2 लाख रुपए तक का जो ब्याज है उसकी भी छूट मिलती है। इसके अलावा
जो आपकी इंश्योरेंस होती है 80D की धारा के अंतर्गत ये कवर होती है, इसके अंदर दो तरह की आपको इंश्योरेंस का बेनिफिट मिलता है, अपने लिए भी और अपने पेरेंट्स के लिए भी। तो इसका अमाउंट भी 50,000 होता है। तो अगर आप 10 लाख रुपए में से ये सारी चीजें घटा दें तो आपका टैक्स 12,500 बनता है। और 87 में जो इस बार उन्होंने अमेंडमेंट करी है उसके अंदर आपको रिबेट पूरी 12,500 की बनती है। तो अगर आप ध्यान से अपनी प्लानिंग करें तो आप 10 लाख रुपए की जो अगर आपकी इनकम है तो उस पर आपका टैक्स 0 बनता है। तो ये एक्चुअली टैक्स पेयर की तरफ से भी सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने ये किया, क्योंकि जरूरत किसको थी? देखिए, इस तबके को सबसे ज्यादा जरूरत थी। इन्फ्लेशन के हिसाब से हमें ये स्लैब भी एडजस्ट करने की आवश्यकता थी। तो उन्होंने जो ये रिबेट इस बार दिया ये बहुत ही बढ़िया एक रिबेट उन्होंने दिया है। इसके बाद अगर हम बात करें तो इसके बाद टैक्स के अंदर उन्होंने एक बहुत बढ़िया छूट दी है और उसका इम्पैक्ट इंडस्ट्री के ऊपर भी जाएगा। देखिए इंडस्ट्री में कैसा इम्पैक्ट पड़ेगा वो हम जरूर जानेंगे, लेकिन उससे पहले हम विजन की बात करना चाहेंगे। जिस तरह से ऐसा भी कहा गया इस बजट में कि अगले 5 सालों के अंदर 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाया जाएगा देश को, और अगले 10 सालों के अंदर ऑलमोस्ट 10 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाया जाएगा, जो कि एक बहुत बड़ा टास्क होने वाला है, बहुत बड़ा चैलेंज आई एम श्योर सरकार के लिए होने वाला है। क्या कहेंगे कि क्या पैरामीटर्स उसके रखे गए हैं? ये जो पैरामीटर्स रखे गए हैं जो कि आपको 10 बिलियन इकोनॉमी के लिए, सॉरी 10 ट्रिलियन के लिए हैं ये। अब मैं फिर से थोड़ा सा बैकग्राउंड में जाना चाहूँगा इसके। जैसे कि मैंने कहा था कि हमारा जो पोटेंशियल जीडीपी ग्रोथ रेट है वो बढ़ा हुआ है और हम लोग उसको कैचअप करने की कोशिश कर रहे हैं। इस बजट में थोड़ा हमारा फिस्कल जो स्टैंस है गवर्नमेंट का वो एक्सपेंशनरी है, तो कुछ कंट्रीब्यूट करेगा उसको अचीव करने में। दो तीन और जगह से कंट्रीब्यूशंस आते हैं, जैसे फॉर इंस्टेंस कि अगर मान जाइए हमारा इन्फ्लेशन रेट कम रहता है कुछ महीनों में और एक्सपेक्टेशन भी कम रहता है तो शायद रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है हमारा रेपो रेट भी घटा दें, जिससे इन्वेस्टमेंट को और बूस्ट मिल सकता है। तीसरा एक और रीजन है हमारा ग्रोथ को हाई एक्सपेक्ट करने का कि अगर हमारे क्रूड ऑयल प्राइसेस कम होते हैं जो कि आशंका है, क्योंकि ये सब ओपेक कंट्रीज ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज हैं, ये लोग की मोनोपोली रहती है, ये लोग डिसाइड करते हैं कितना हाई रखना है कितना लो करना है। लेकिन प्लस हमारे पास ऑल्टरनेट सोर्सेज ऑफ फ्यूल भी आ रहे हैं, तो हमारा ये अंदाज है कि आने वाले सालों में हमारा क्रूड प्राइसेस भी कम हो जाएगा, क्योंकि हमें या तो ऑल्टरनेट सप्लाई मिल जाएगा या तो उसकी ज़रूरत हम लोग किसी और चीज़ से सब्स्टिट्यूट कर लेंगे। तो इसके कारण क्या होगा, जो गुप्ता जी ने बात की, हमारा जो बीओपी का डेफिसिट है, करंट अकाउंट डेफिसिट, वो कम होता चला जाएगा। वो कम होने से क्या होता है, एक पॉजिटिव इनकम इफेक्ट होता है इकोनॉमी में, जिसके कारण जो पैसा हमारा बाहर नहीं जा रहा है देश में खर्चा होगा, उस खर्चे से जीडीपी ग्रोथ और बढ़ेगा। तो सरकार ने ये सब चीज को ध्यान रखते ही सोचा कि हमारे 2022-23 तक 5 ट्रिलियन इकोनॉमी हो सकती है, पूरी प्लानिंग के साथ सरकार चली। सोच इस सोच के भी बेसिस है 2030 तक हमारे 10 ट्रिलियन हो सकती है। तो इस चीज को, इस बजट को उस माध्यम से भी देखना चाहिए कि इसका विजन क्या है। 10 ट्रिलियन इकोनॉमी का मैंने बेसिस बता दिया, उसके मेन डायमेंशंस हैं कि अगर ये होने वाला है तो हमारे पास फिजिकल और सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा रोबस्ट होना चाहिए, साउंड होना चाहिए। हम लोग पूरा डिजिटाइज करना चाहिए हर गवर्नमेंट प्रोसेस को, हर ट्रांजैक्शन जो कि हमारा गवर्नमेंट का प्राइवेट सेक्टर के साथ होता है। ऑब्वियसली पोल्यूशन फ्री हमारा नेशन को होना चाहिए, ग्रीन टेक्नोलॉजी होनी चाहिए। फिर हम लोग बात करते हैं रूरल इंडस्ट्रियलाइजेशन की, जिससे हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि एम्प्लॉयमेंट जनरेशन ज़्यादा हो, वहाँ जॉब्स क्रिएट भी, जॉब्स क्रिएट हो रूरल इंडिया में। हमारे पास क्लीन रिवर्स का इशू है, प्लस हमें इरिगेशन की ज़रूरत है, हमें स्वच्छ पानी पीने की ज़रूरत है, ये सब का प्रोविजन होगा। सिक्स डायमेंशन है कि हम अपना सागरमाला प्रोग्राम जो कि कोस्टल एरिया में जो लोग रहते हैं उनके बेनिफिट के लिए, उनके डेवलपमेंट के लिए है, इसको स्केल अप किया जाए। सेवन डायमेंशन हमारा स्पेस प्रोग्राम है, जिसमें हम अपने बूते पे एस्ट्रोनॉट अपने कंट्री से हम स्पेस में भेजना चाहते हैं। ये सब हमारे विजन का बहुत बड़ा पार्ट है। एट्थ है अपना कि हमारा फूड में सेल्फ सफिशिएंसी होनी चाहिए, नॉट ओनली इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्शन बट आल्सो इन टर्म्स ऑफ प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड अमंगस्ट द नीडी। न्यूट्रिशन का भी ख्याल रखना चाहिए। हमारा नाइन्थ डायमेंशन जानती हैं, हेल्दी इंडिया है, जिस पर और बूस्ट करने की बात हुई है,
और फिर फाइनली हमारा है मिनिमम गवर्नमेंट और मिनिमम गवर्नेंस, मैक्सिमम गवर्नेंस वाला जो हमारा है ये ऑब्जेक्टिव भी चलता आ रहा है। तो ये 10 जो पैरामीटर्स हैं उनके चलते उन्हें पूरा करने के लिए इतना वक्त लिया मांगा गया है, लेकिन उसमें कई चैलेंजेस भी होंगे जिनकी हम चर्चा करेंगे आपसे। पर यहाँ पर एक छोटे से कमर्शियल ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द लौटेंगे, आपका ही मजा आइए, देखते रहिए न्यू इंडिया संकल्प। ब्रेक के बाद आपके अपने शो न्यू इंडिया संकल्प में मैं नमिता आप सभी का स्वागत करने के लिए हाजिर हूं। तो आज हम जो बजट 2019 इंटरिम बजट डिक्लेयर किया गया है उसके कुछ हाइलाइट्स के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। हमारे साथ तीन खास मेहमान मौजूद हैं, मिस्टर राजीव मिश्रा, मिस्टर सुनील कुमार गुप्ता और मिस्टर दिनेश वर्मा। सुनील जी, मेरा सवाल अब आपसे है, जिस तरह से हम बात कर रहे हैं कि हर वर्ग को इससे फायदा होगा, हमने कुछ हाइलाइट्स की भी इस बजट की बात की, फार्मर्स के बारे में बात की, लेकिन कहीं ना कहीं अनऑर्गेनाइज जो सेक्टर है उसको भी आगे बढ़ाने के लिए अब तक के लिए सबसे बड़ी पेंशन योजना के बारे में कहा गया, व्हाट यू हैव टू से अबाउट दैट? देखिए ये बहुत ही जरूरी था क्योंकि जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में हमारे मजदूर भाई काम करते हैं उनको जब रिटायर होते हैं 60 साल के बाद तो उनके लिए पेंशन का कोई प्रावधान नहीं था और कमाई का कोई जरिया नहीं था उनका। जो देश तभी आगे बढ़ सकता है जब हर व्यक्ति का ख्याल किया जाए। तो इस बार एक बहुत बड़ी योजना चालू की गई जिसमें कि मात्र 100 रुपए महीना देना है मजदूर को, 100 रुपए महीना वो देता रहेगा, उसके बाद जब वो 60 साल का होगा तो उसे जो पेंशन मिलेगी वो 3,000 रुपए महीना मिलेगी प्रति माह। तो ये बहुत बड़ा पेंशन का है जिसमें कि हमने टारगेट किया है कि शायद 10 करोड़ लोग इसका फायदा उठाएंगे। मैं हमेशा कहता हूँ 10 करोड़ लोगों का मतलब हो गया 10 करोड़ परिवार। जी जी जी, 10 करोड़ परिवार का मतलब हो गया कि आपने एक तरफ किसानों का ध्यान रखा, दूसरी तरफ जितने भी मजदूर भाई हैं जो कि ऐसे सेक्टर में काम करते हैं उनका ध्यान रखा। तो एक तरह से आपने पूरा का पूरा अंडर प्रिविलेज लोअर सेक्टर और मीडियोकर सेक्टर इन दोनों का ख्याल रखा। तो इन दोनों का ख्याल रखने से हमारे देश को आगे बढ़ने में कोई परेशानी नहीं आएगी और जितने भी हमारे आगे आने वाले बजट होंगे, क्योंकि देश एक ऐसे पाथ पे आ गया है जिसमें कि सबका ध्यान रखा जा रहा है और आगे बढ़ने से अब जैसे कि आपने ये मजदूरों का बात हुई उसके अलावा अगर हम देखें तो एमएसएमई सेक्टर का भी ध्यान रखा गया। अच्छा, मजदूरों में एक और भी वो रखा गया कि जिनकी 21,000 पे जो लोग कमाते हैं उनको बोनस भी मिलेगा। हाँ, वो बोनस का भी प्रावधान रखा गया क्योंकि उनको सरकार चाहती है कि उनके पास ज्यादा से ज्यादा पैसे मिलने चाहिए, उनके पास ज्यादा से ज्यादा पैसे होने चाहिए स्पेंड करने के लिए जिससे अपने परिवार का खर्चा वो ठीक से चला सके, अपने बच्चों का एजुकेशन ठीक से कर सके और अपना परिवार ठीक से चला के और जो भी वो देश की सेवा कर रहे हैं जिस भी फैक्ट्री में कार्य रहते हैं उसमें पूरे ध्यान से अपना कार्य कर सके। तो इसके अलावा सरकार ने एमएसएमई सेक्टर का भी ध्यान रखा। यस, बिल्कुल कि एमएसएमई सेक्टर आगे बढ़ना जरूरी है क्योंकि एमएसएमई सेक्टर हमारे देश की रीढ़ की हड्डी है। वो जो हमारे देश का टोटल आउटपुट है उसमें लगभग 45% का कंट्रीब्यूशन उनका है, एक्सपोर्ट में भी लगभग कितना कंट्रीब्यूशन उनका है। तो उन्होंने बोला है कि जो वो लोन लेते हैं उसमें भी उनको कुछ रिबेट दी गई है कि जो 1 करोड़ तक का लोन होगा उसमें उनको 2% की रिबेट मिल गई, सबवेंशन मिली गई है, मतलब कि सरकार उसको रीइंबर्स करेगी बैंकर्स को। अच्छा, और बैंकर्स उसे कम चार्ज करेंगे। तो ये बहुत बड़ी रिपोर्ट है क्योंकि बहुत बड़ी रिबेट है क्योंकि जो हमारा एमएसएमई सेक्टर है उसको अगर 2% ब्याज कम लगता है तो उसके लिए बहुत बड़ा इंसेंटिव है क्योंकि वो बहुत छोटी पूंजी से काम करता है क्योंकि उसके पास पूंजी लिमिटेड होती है। तो यदि उसका कैश फ्लो ठीक बना रहेगा तो बहुत बढ़िया हो जाएगा। जीएसटी आने से उसे ऑलरेडी फायदा हुआ है क्योंकि उसे इनपुट पूरा मिलना शुरू हो गया। और एक बहुत बढ़िया बात हुई कि आपने जितने भी मैंने आज तक डिबेट सुनी है सबने ये कहा कि जीएसटी तो बहुत अच्छा है साहब, इसका कंप्लायंस बड़ा मुश्किल है क्योंकि हमें रिटर्न इतनी बारी भरनी पड़ती है, कंप्लायंस करनी पड़ती है, अकाउंटेंट रखना पड़ता है, कैसे होगा? तो सरकार ने क्या झंझट खत्म। वो छोटे उद्यमियों के लिए उन्होंने कुछ क्वार्टरली भी कर दिया। हाँ, उन्होंने बोला 5 करोड़ से कम जिसकी टर्नओवर है उसके लिए क्वार्टरली रिटर्न, मतलब 90% लोग कवर हो गए। तो जो 5 करोड़ से ऊपर जिसकी टर्नओवर है वो तो अकाउंटेंट रखता ही है अपने पास, तो उसको मंथली रिटर्न में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बाकियों के लिए क्वार्टरली रिटर्न हो गई। तो एक तरह से जो हमारा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर था, जो हमारा एमएसएमई सेक्टर था, उसको बहुत बड़ा एक कंप्लायंस
का जो उसके सामने इश्यू रहता था वो खत्म हो गया, इंटरेस्ट में उसे रिबेट मिल गई। तो इस तरीके से मैं देखता हूँ इस बजट में लगभग सभी वर्गों का ख्याल रखा गया, चाहे वो किसान हो, चाहे वो मजदूर हो, चाहे वो हमारा एमएसएमई सेक्टर हो। इनफैक्ट यूथ का और वुमेन का भी खूब अच्छे से ख्याल रखा गया है, उनके बारे में भी बात करेंगे। लेकिन फिलहाल हम ये आपको दिखाने जा रहे हैं कि जो लोग हैं, आम जो लोग हैं, कॉमन मैन जो है, उनका क्या रिएक्शन था जब ये बजट डिक्लेयर हुआ, वो कितने खुश हैं और क्या कुछ उन्होंने कहा, आइए देखते हैं। मैं ये दावे के साथ में बोल सकता हूँ कि डेफिनेटली आगे देश अपने बहुत ही उन्नति और प्रगति करेगा। और जो हमारे कलीग पीयूष गोयल जी ने जो बजट के जो नए संशोधन के हिसाब से दिए हैं, डेफिनेटली अपने भारतवर्ष बहुत ही प्रगति करेगा। पहली बार ट्रेड को रिकग्नाइज किया है, जिसे उन्होंने डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल प्रमोशन था, उसको डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल प्रमोशन एंड इंटरनल ट्रेड बनाया। सो मैं उसके लिए हमारे मोदी साहब जो प्रधानमंत्री साहब है उनको बधाई देता हूँ। कृषि के लिए जो 75,000 करोड़ रुपए का भी जो प्रावधान किया और 20,000 तुरंत दिया है हमारे फार्मर्स को, उससे बहुत ही फायदा भी होगा और सपोर्ट भी होगा। पीएम को धन्यवाद देना चाहूँगा कि शायद भारतवर्ष की हिस्ट्री में इतना अच्छा बजट आज तक किसी ने नहीं दिया है। ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि पहली टाइम जिन्होंने जो फार्मर हमारे जो आत्महत्या कर रहे थे उनको एडिशनल 6,000 की उन्होंने फिक्सेड इनकम दे दी, 6,000 उनको एडिशनल दे दिया है। तो ओवरऑल अगर बात करें तो एक पॉजिटिव इम्पैक्ट इसका इकोनॉमी पे होने वाला है, और ये इस बार का जो बजट है उससे सभी लोग तकरीबन बहुत खुश नजर आ रहे हैं। हम इंडस्ट्री के इम्पैक्ट के ऊपर बात कर रहे थे, इंडस्ट्री पर किस तरह का इसका असर होगा इस बार के बजट का? देखिए, प्रधानमंत्री जी ने भी कहा कि मैन्युफैक्चरिंग से लेकर रियल एस्टेट से लेकर और हर तरह की इंडस्ट्री के लिए कुछ ना कुछ बड़ा ब्रीफ बजट था, बहुत ज्यादा एलोबरेटिव बजट नहीं था, लेकिन फिर भी इतने स्पेसिफिक और इतने अच्छे इसके अंदर प्रोविजंस हैं और उनके जो परिणाम हैं वो वाकई बहुत बहुत दूरगामी होने वाले हैं। मैं आपको एक एग्जांपल दूं, इसमें अफोर्डेबल हाउसिंग को लेके जो एक रिबेट थी, क्योंकि वो प्रोजेक्ट अभी हम पूरा नहीं कर पाए हैं, उसमें और हमें इस चीज़ की आवश्यकता थी, तो जो उसकी इनकम की एग्जेम्पशन की लिमिट थी उसको उन्होंने एक साल के लिए और बढ़ा दिया है। उसके अलावा उन्होंने क्या करा है कि जब आप एक घर बेचते हो इसका फायदा इंडिविजुअल को भी मिलेगा और रियल एस्टेट इंडस्ट्री में अफोर्डेबल हाउसिंग को भी मिलेगा। तो उस पे जब आपको कैपिटल गेन्स होता है एक घर बेचने के बाद, तो पहले आपके एक लिमिट थी कि आप एक घर और खरीद सकते थे, उनको ये भी लगा कि देखिए जब फैमिली बढ़ रही है, आपके पास पुराना घर है उसकी कीमत ज्यादा हो गई, अब आप उसको बेचते हैं, तो अगर आप अफोर्डेबल हाउसिंग में दो घर लेते हैं तो अब आपको कैपिटल गेन्स का जो बेनिफिट है वो दोनों जगह मिलेगा, दोनों घर खरीदने की उसमें आपको मिलेगा। तो इससे इंडिविजुअल को भी फायदा होगा और अफोर्डेबल इंडस्ट्री को भी इसके फायदा होगा। इसके अलावा उन्होंने क्या करा इंडिविजुअल के लिए, एक बात एक चीज और मैं आपको बताऊं, तो अगर आपके एक घर में एक सिटी के अंदर अगर आपके दो घर हैं, तो पहले क्या होता था कि आप एक घर में रहते हो, दूसरा घर अगर बाय चांस खाली भी है, किराए पे नहीं भी उठा हुआ है, तो एक नोशनल रेट के ऊपर आपकी इनकम को टैक्स कर दिया जाता था। वो उसके ऊपर उन्होंने छूट दे दी है कि अगर आपके पास दो घर हैं और किसी वजह से अगर आपका एक घर खाली है तो आपका उसके ऊपर टैक्स नहीं लगेगा। सेम चीज उन्होंने इंडस्ट्री के लिए भी करी। आपके जो रियल एस्टेट के डेवलपर्स हैं या बिल्डर्स हैं, उनके पास एक इन्वेंट्री बिल्ड हो जाती है जो वो नहीं बेच पाते हैं, तो अनसोल्ड इन्वेंट्री को भी टैक्स कर दिया गया था। बट अब उन्होंने क्या बोला है कि ये अनसोल्ड इन्वेंट्री के लिए भी उन्होंने एक साल का जो पीरियड है वो एडिशनल इंडस्ट्री को दे दिया है। ये इंडस्ट्री की एक बहुत डिमांड थी, क्योंकि जब एकदम ये बजट आया तो आप बेच तो सकते नहीं है सब कुछ, आपको थोड़ा समय चाहिए। तो गवर्नमेंट ने इस चीज को रियलाइज करा और इमीडिएटली देखिए अगले बजट में इस चीज को अब रेक्टिफाई कर दिया गया। अब मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के लिए इतनी बढ़िया अनाउंसमेंट उन्होंने करी। अभी क्या था कि जो आपके एमएसएमई या छोटे व्यापारी या इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, अगर आपकी टर्नओवर 250 करोड़ से नीचे है तो आपका टैक्स का रेट डिफरेंशियल है। नॉर्मली अगर आप 30% देते हैं तो यहाँ पर आप 25% देते हैं। उन्होंने क्या बोला, नई मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, क्योंकि जॉब आपका मैक्सिमम जो क्रिएट होता है वो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के थ्रू ही क्रिएट होता है, तो उन्होंने ये टर्नओवर की लिमिट नई मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के लिए हटा दी। तो जितनी भी नई मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री अब देश के अंदर लगेगी, फिलहाल जो उसका टैक्स का रेट है वो 25% है। अच्छा, तो आप देखिए इससे कितना फायदा होगा। लोग हाईलाइट नहीं कर रहे इस बात को, लेकिन ये अपने आप में इतनी बड़ी चीज है, आपको सीधा सीधा 5% का टैक्स का छूट दे दिया गया है। ये एक अच्छी बात आपने कही। अगर हम इस बार के बजट की बात करते हैं, हमने जो विजन के पैरामीटर्स की विजन की भी बात की, उसके कुछ पैरामीटर्स हमने डिस्कस किए, आप क्या समझते हैं कि सरकार के लिए क्या चैलेंजेस आगे आने वाले हैं इन्हें पूरा करने के लिए? एक तो जो
खर्चा सरकार करती है तो उसके सामने एक कंस्ट्रेंट है अपना पब्लिक डेट को मैनेज करने का. अब जैसे आज के दिन में पब्लिक डेट है करीब 49% और गवर्नमेंट का टारगेट है कि वो करीब 40% हो जाए. जी. ये FRBM एक्ट है उससे कंसिस्टेंट है ये. अब इसको कम करने के लिए आपको फिस्कल डेफिसिट हर साल थोड़ा थोड़ा कम होते रहना पड़ेगा एज ए प्रोपोर्शन टू GDP. तो अब किस हद तक सरकार ये कम कर सकती है वो पेस क्या होगा उसको स्टेबलाइज करने का ये एक चैलेंज वाली बात है और इसमें थोड़ा ध्यान देने की आवश्यकता है. दूसरा जैसे मैं जैसे हम लोग अपने इकोनॉमिक जार्गन में बोलते हैं अपसाइड रिस्क होता है. राइट. जैसे कि मैंने क्रूड ऑयल की प्राइसेस की बात की थी. अगर ये हमारा मान जाइए ये बढ़ जाता है प्राइसेस हाई रहता है कुछ समय तक कुछ रीजंस के लिए तो हमारा ग्रोथ इफेक्ट रहेगा. ग्रोथ कम होने से हमारे पास काफ़ी प्रॉब्लम्स आ जाएंगे. हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बन पाएगा. हमारा बहुत सारा प्रोजेक्ट्स है उसकी फंडिंग में प्रॉब्लम हो जाएगा. ईज ऑफ डूइंग बिजनेस एक और हमारा बहुत बड़ा चैलेंजिंग इशू है. हमने काफ़ी उसमें प्रोग्रेस किया है. हमने GST के कारण अपना रैंक वर्ल्ड में काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव किया है लेकिन और भी करने की आवश्यकता है. वो डिजिटाइजेशन इंडिया से कनेक्टेड है. जितना डिजिटाइजेशन होगा उतना ईज ऑफ डूइंग बिजनेस होगा. ये भी एक चैलेंज है. ऐसे दो चार बातें हैं जो कि चैलेंज के तौर पे सामने आ सकती है लेकिन उनको कहीं ना कहीं पूरा करने के लिए जो अपनी तरफ से कोशिशें और जो अपनी तरफ से स्टेप्स हैं हम कहेंगे सरकार लेती रहती है और वो आगे भी लेगी. राइट. फिलहाल यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक और ले रहे हैं. ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे. आप कहीं मत जाइए. देखते रहिए न्यू इंडिया संकल्प. ब्रेक के बाद न्यू इंडिया संकल्प में आप सभी का स्वागत. तो आज हम बजट के बारे में बात कर रहे हैं कि उसके हाइलाइट्स क्या रहे हैं और किस तरह से इकोनॉमी को आगे बढ़ाने के लिए सरकार के जो स्टेप्स हैं वो अगले 5 सालों में और 10 सालों में क्या होने वाले हैं. सुनील जी, मैं अब आपसे जानना चाहूंगी, जिस तरह से हम बात करें वुमेन ऑफ द कंट्री की, यूथ की, तो इसको हमेशा से एक ऐसा सेगमेंट है सरकार की तरफ से इनको बढ़ावा मिलता ही रहा है. अगर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की बात करें या फिर अगर हम सुकन्या योजना की बात करें, वो भी लड़कियों के लिए लॉन्च किया गया. तो आप ओवरऑल क्या कहना चाहेंगे कि और क्या कुछ चीजें वुमेन के लिए और यूथ के लिए इस बजट में कही गई है? देखिए, मुझे लगता है सरकार का पूरा फोकस जी वुमेन और हमारे यूथ के ऊपर है. अगर आप देखें हमारी मान लीजिए प्राय मुद्रा योजना देखें तो मुद्रा योजना में हमने जितने भी लोन दिए हैं उसका 70% महिलाओं को दिया है. बिल्कुल सही. हाँ जी. तो 70% महिलाओं को दिया है, इसका मतलब 70% महिलाएं अपना उद्योग धंधा कोई भी व्यापार कुछ भी सर्विस सेंटर कुछ भी खोल सकती हैं और आगे बढ़ सकती हैं, जो कि लोन में कोई गारंटी और कुछ नहीं होता. देश में पहली ऐसी यूनिक स्कीम निकली है. तो इसी तरह से अगर हम देखते हैं तो यूथ के लिए एक स्टार्टअप का इकोसिस्टम बना है पूरा अच्छा. यदि कोई भी यूथ अब उसको एक रिस्क लेने में परेशानी नहीं होती क्योंकि उसके लिए एग्जिट रूट भी है. पहले हमारे देश में क्या परेशानी होती थी कि अगर आपने कोई व्यापार शुरू कर दिया तो शुरू तो कर दिया ठीक है लेकिन बंद करना असंभव था. हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने. तो अब वो बंद करने के लिए एग्जिट रूट भी दे दिया. तो स्टार्टअप का जो इकोसिस्टम हमारे देश में डेवलप हो रहा है बहुत बढ़िया है. इसमें हर यूथ अपनी पूरी पोटेंशियल से कोशिश करता है कि मैं कैसे कोई नया आइडिया कोई नई यूनिक चीज कोई मैन्युफैक्चर करूं सर्विस प्रोवाइड करूं जिससे कि लोगों की जिंदगी बदले और उसको सारे बेनिफिट सरकार देती है. और अब तो हम ये भी कहेंगे कि जितने लोन्स प्रोवाइड कर रही है मुद्रा योजना की बात करें उसमें जो जो, जो नए एंटरप्रेन्योर्स हैं जो यूथ है हमारे इंडिया का उनको बिजनेस स्टार्ट करने के बाद बंद करने की नौबत ही नहीं आती है ना. बिल्कुल नहीं आती है. लेकिन एग्जिट देखिए स्टार्टअप में एग्जिट रूट देना जरूरी होता है क्योंकि स्टार्टअप कई बार ऐसा होता है आपने शुरू किया वो आइडिया आपका सक्सेसफुल नहीं है आप दूसरे आईडी पे काम करना चाहते हो तो आपको मौका तो मिले कि आप इससे एग्जिट करके नए पे करें. लेकिन जो हमारी लोन की स्कीम है वो बहुत अच्छी स्कीम है क्योंकि वो इतनी सक्सेसफुल हुई कि आज हमारे देश में अगर हम देखें तो इतनी बड़ी संख्या में मुद्रा लोन हमने बांटे हैं और इतने सारे लोगों को मुद्रा लोन दिए हैं.
तो वो एक बहुत बड़ा एम्प्लॉयमेंट जनरेशन भी है और वो साथ में लोगों को अपना काम करने के लिए जो सरकार प्रोत्साहित करती जी, है वो भी मिल रहा है जी। यहाँ पर हम आपको थोड़ा सा रोकना चाहेंगे क्योंकि हमारे पास एक सक्सेस स्टोरी है जो कि मुद्रा योजना से जुड़ी हुई है, जिन्होंने मुद्रा योजना के तहत लोन लेकर अपने छोटे से कारोबार को आगे बढ़ाया, उसे एक्सपैंड किया और आज वो एक खुशहाल जिंदगी जी रहे हैं। आइए आपको दिखाते हैं। 33 साल के योगेश ये अपनी वड़ा पाव की दुकान में बन में मक्खन लगाकर तैयार कर रहे हैं। इसके बाद ये अपनी कर्मी को निर्देश देते हैं कि इसे ग्राहक को दे दें। अपना कारोबार और चार लोगों को नौकरी देने की खुशी इनकी आंखों में साफ नजर आती है। हालांकि ये इतना आसान नहीं था। योगेश याद करते हैं जब 10 लाख रुपए का लोन पाने के लिए वो कैसे दर दर भटक रहे थे ताकि उन्हें किसी लाला से उधार न लेना पड़े। 2 साल पहले शुरू हुई मुद्रा योजना उनके लिए वरदान बनकर आई। मामूली ब्याज दर पर मिला उधार उनके कारोबार का आधार बन गया। मार्च 2018 तक इस योजना के तहत व्यावसायिक बैंक 3.67 लाख करोड़ से ज्यादा का लोन स्वीकृत कर चुके हैं। इसकी 75% लाभार्थी महिलाएं हैं। इसके तहत 3 श्रेणी में लोन दिए जाते हैं। शिशु नाम से 50,000 रुपए तक के लोन जो छोटे कारोबार शुरू करने के लिए हैं। किशोर श्रेणी में 5 लाख तक के लोन जो उन कारोबारियों के लिए हैं जो पहले से हैं, लेकिन उन्हें विस्तार के लिए पैसे की जरूरत है। और तरुण श्रेणी में 10 लाख तक के लोन उन परियोजनाओं के लिए हैं जिन्हें फंडिंग की जरूरत है। इस योजना के शुरू होने के बाद से नौकरी की तलाश में लगे कई लोग अब दूसरों को नौकरी देने लगे हैं। तो जिस तरह से हमने देखा कि योगेश ने अपने छोटे से कारोबार को कितने अच्छे से आगे बढ़ाया मुद्रा योजना का लाभ उठाकर, तो आप भी इस तरह से कर सकते हैं अगर आप चाहते हैं कोई नया व्यापार करना या फिर आप अपने बिजनेस को आगे एक्सपैंड करना चाहते हैं। उसके लिए भी अलग अलग तरह के आपको लोन्स मिलते हैं मुद्रा योजना के तहत। वेल, यहाँ पर मैं सर आपसे भी जानना चाहूंगी, मुद्रा योजना की अगर बात करें, अचीवमेंट्स हम गुप्ता जी से डिस्कस कर रहे थे, कितने लोन्स अब तक डिसबर्स किए जा चुके हैं लोगों को और कितने लोगों को इससे फायदा हो चुका है? इसका स्टेटिस्टिक तो बजट स्पीच पे दिया हुआ है, ऑफ हैंड मुझे याद नहीं आ रहा है, लेकिन इसका सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि मोस्ट ऑफ द बेनिफिशियरीज आर वुमेन इन दिस मुद्रा योजना। जैसे 70% वुमेन को ये लोन दिया जाता है। और इसमें जैसे ही चर्चा हुई थी कि एडिशनल 1 करोड़ पर वो इंटरेस्ट रिबेट में मिलेगा, सबवेंशन मिलेगा 2% का, तो इसका फायदा लोगों को मिल रहा है और इसकी मोबिलाइजेशन हो रही है। ओके, दैट्स नाइस। अगर हम जैसे विमेन ऑफ द कंट्री की बात कर रहे थे, यूथ की बात कर रहे थे, उसी तरह से अगले 5 सालों के अंदर 1 लाख डिजिटल विलेजेस लाने के लिए भी कहा गया है, उसके बारे में आपका क्या कहना है सर? देखिए, सरकार ने बहुत अच्छा काम शुरू किया। जैसे हमारे देश में लगभग 6.5 लाख विलेज होंगे, तो सरकार ने उन सबको आइडेंटिफाई किया, उन सब में कोशिश की, सबसे पहले शौच की व्यवस्था कराई जी, और अब कोशिश कर रही है सरकार की उन्हें डिजिटाइज करें, जिससे कि जो हमारा यूथ बी और सी क्लास सिटी में बैठा है उसको भागना ना पड़े दिल्ली, मुंबई और कोलकाता की तरफ कि अपना कहां बेचूं क्या करूं। डिजिटाइज होने का मतलब यह है कि वो वही प्रोडक्ट बनाए और उसे डिजिटाइज, क्योंकि उसका विलेज है, अपलोड करे और वहीं बैठ के बेचे। तो यदि वो अपने गाँव में बैठ के अपना यूनिक जो भी प्रोडक्ट बना रहा है उसको वो बेचे पूरे विश्व में इंटरनेट के माध्यम से, तो इसलिए सरकार चाहती है कि वो विलेजेस को डिजिटाइज किया जाए, पूरी तरह से ऑप्टिकल फाइबर से भी उन्हें कनेक्ट किया जा रहा है। वो 2.5 लाख विलेज से ज्यादा कर चुके हैं, तो वो जब कनेक्ट हो जाएगा तो उससे क्या है कि यूथ को बड़े शहरों की तरफ ना भाग के अपने गांव में बैठ के ही वो अपनी पूरी प्रोडक्ट को सेल भी कर सकता है, और जो उसे अगर कुछ प्रक्योर करना है रॉ मटेरियल तो प्रक्योर भी कर सकता है। okay, अपने जैसे nice. और जो वेंडर दूसरे बी और सी क्लास सिटी में बैठे हैं उनसे प्रक्योर भी कर सकता है, तो दोनों बेनिफिट उसे हैं। अच्छा, हम आपसे मिश्रा जी ये भी जानना चाहेंगे, फार्म सपोर्ट के बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, फार्म सपोर्ट में कुछ प्रतिक्रिया ऐसी हुई थी कि अमाउंट कम है, अमाउंट कुछ कैलकुलेशन हुआ था कि ये 17 रुपये 20 रुपये पर डे के हिसाब से क्या हम फार्मर्स को दे रहे हैं। लेकिन इसमें एक बात समझनी चाहिए कि ये है सरकार का सिग्नल। सिग्नल ये है कि अल्टीमेटली फार्मर्स का बेनिफिट अगर सब्सिडी प्रोग्राम के थ्रू होना है तो बेस्ट तरीका इनकम सपोर्ट का है। अब ये अमाउंट आपको बढ़ सकता है अगर स्टेट गवर्नमेंट इस पे जरा टॉप अप करे, तो
तो ऐसी बात नहीं है कि 6,000 रुपया रह गया, स्टेट गवर्नमेंट की भी कोऑपरेशन हो सकती है और अमाउंट बढ़ सकता है। और ये इसीलिए अच्छा ये प्रोग्राम है क्योंकि आप देखिए फार्मर्स एक बहुत किसान एक बहुत ही दुविधा में रहता है। जिस वक्त मान लीजिए ये उत्पादन काफी खराब होता है तो प्राइस बढ़ जाती है, उन्हें प्राइस बढ़ी हुई प्राइस का एडवांटेज मिलना चाहिए, लेकिन कैसे एडवांटेज मिलेगा, उनके पास है ही नहीं उत्पादन बेचने को। और जब काफी उत्पादन हो जाता है तो प्राइस घट जाती है, वो घटे हुए प्राइस से भी उनको लॉस होता है। तो ये आपको जरूरी है सही मार्केट प्लेस में, इसलिए सरकार ने एक तरह से सिग्नल दिया है कि आने वाली सरकार और या फिर स्टेट गवर्नमेंट मिल करके इसको अच्छी तरह टॉप अप कर सकते हैं और इससे फार्मर्स का डिस्ट्रेस काफी हद तक पूरा खत्म होगा। बिल्कुल सही। और जिस तरह से हम पीछे देखते थे कि फार्मर्स को सुसाइड तक की टेंडेंसीज हो जाती थी, तो फार्मर्स को एक सपोर्ट की हमेशा से जरूरत है। अगर हम बात करते हैं नेचुरल कैलामिटीज के वक्त में, तो तब भी 2% इंटरेस्ट सबवेंशन उनके लिए कहा गया, और अगर टाइमली वो पेमेंट कर देते हैं तब भी उनके लिए 2% का सबवेंशन रखा गया, विच इज अ वेरी वेरी गुड थिंग इनफैक्ट सरकार की तरफ से। दिनेश जी आपसे जानना चाहेंगे, जैसे कि ये भी कहा गया कि अगले 2 सालों में जो हमारा आईटी रिटर्न है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है कि 24 घंटों के अंदर आ जाएगा, सो सबके लिए एक टेंशन कम हो जाएगा, लेकिन क्या ये इंप्लीमेंट हो पाएगा उस तरीके से इतना जल्दी 2 सालों के अंदर? हाँ, मैं आपको बताऊं, अभी अगर आप डिजिटाइजेशन की बात देखें तो जितनी परफेक्शन के साथ इनकम टैक्स डिपार्टमेंट डिजिटाइज हुआ है वो अपने आप में एक मिसाल है। बिकॉज हमारे यहाँ जो नंबर है वो एक सिग्निफिकेंट नंबर है। अगर आज 6 करोड़ या 6.5 करोड़ असेसीज हैं तो ये अपने आप में एक कम नंबर नहीं होता है, और पूरा का पूरा जो प्रोसेस आज की डेट में भी जो है वो डिजिटाइज है। इसको हाँ अब हम एक दूसरे लेवल पे लेके जा रहे हैं जिसमें की प्रोसेसिंग ऑफ रिटर्न के अंदर हम ह्यूमन इंटरवेंशन जो है उसको खत्म करना चाहते हैं। इसके 2 एस्पेक्ट हैं, एक तो ये कि उसका प्रोसेसिंग जल्दी होगा और दूसरा जो करप्शन है उसके ऊपर भी एक पूरी लगाम लगाने की तैयारी है, क्योंकि प्रधानमंत्री का भी एक ऑब्जेक्टिव है, वो ये कहते हैं कि जो एक लोअर लेवल पे करप्शन है उसको भी खत्म करना है। टॉप लेवल पे करप्शन तो बहुत अच्छे से कंट्रोल किया है इस गवर्नमेंट ने, अब लोअर लेवल के ऊपर भी जो करप्शन है उसको भी कंट्रोल करेंगे। तो जो अभी एक जो सॉफ्टवेयर और जिस उसके ऊपर काम चल रहा है उसके हिसाब से इवन जो आपका असेसमेंट भी होगा आगे वो सब ई असेसमेंट होगा। तो मैं आपके माध्यम से जो अपने व्यूअर्स हमारे इस प्रोग्राम को देख रहे हैं मैं उनसे ये बोलूंगा कि जो ये आपका 12,500 का भी आपको एडिशनल बेनिफिट दिया गया है इसके लिए आपको टाइम से अपना रिटर्न फाइल करना बहुत जरूरी है। अगर ये एग्जेम्पशन नहीं है, अगर आपको ये रिबेट है और उस रिबेट का बेनिफिट अगर आप लेना चाहते हैं तो आपको रिटर्न जो है वो अपना फाइल करना होगा। और अब तो बिल्कुल टाइमली फाइल कीजिए, अब तो 1-1, 2-2 महीने में रिटर्न फाइलिंग के बाद जो है रिफंड्स आ रहे हैं और गवर्नमेंट उस लीड टाइम को भी बिल्कुल रिड्यूस करना चाहती है। तो ये जरूर अपना वो करें। और एक और चीज मैं आपके माध्यम से जो हमारी बहनें इस प्रोग्राम को देख रही हैं, सुनील जी ने भी अभी बात करी वुमेन सपोर्ट की, तो अभी तक क्या एक प्रोविजन था कि जितनी भी गवर्नमेंट अंडरटेकिंग्स थी उनके लिए 25% की जो अपनी प्रोक्योरमेंट है वो MSME से लेनी बड़ी जरूरी थी। अब गवर्नमेंट ने इस बजट में एक बढ़िया प्रोविजन इंट्रोड्यूस किया है और वो सिर्फ फीमेल के लिए है। 25% के अंदर से जो 3% का प्रोक्योरमेंट है वो फ्रॉम SME यानी स्मॉल माइक्रो एंटरप्राइजेस, जो हमारी बहनें माताएं उसको चलाती हैं, उनसे प्रोक्योर करना मैंडेटरी कर दिया। Oh, that's nice. आप देखिए कितना बढ़िया एक प्रोविजन है, इससे ऑटोमेटिकली चीजें जो हैं वो ऊपर आएंगी। एक रेलेवेंट नहीं है जो आपने मेरे से पूछा, बट एक एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के लिए गोयल साहब क्योंकि मुंबई से आते हैं तो उन्होंने बड़ी इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट करी इसमें। एक तो उन्होंने सिंगल विंडो क्लियरेंस की बात करी है, सब तरह की डिक्लेरेशन उन्होंने खत्म कर दी है। ये सेट कि हम आपकी सेल्फ डिक्लेरेशन पे रिलाई करेंगे। उसके अलावा उन्होंने सिनेमा ऑटोग्राफी एक्ट में जो ये हमारी पायरेसी का इशू चलता है उसको कंट्रोल करने के लिए भी उन्होंने इसके अंदर इसके प्रोविजंस करे हैं। दैट्स नाइस। और कुछ वक्त पहले एंटरटेनमेंट टैक्स भी घटाया गया था जिसकी वजह से बॉलीवुड सेलिब्रिटीज ने खुद आकर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का थैंक्स भी किया था। सुनील जी आपका ओवरऑल इस बजट के ऊपर क्या कहना है? देखिए मैं कहूंगा ये बजट हमारा बहुत अच्छा प्रोग्रेसिव बजट है और ये मुझे लगता है कि बहुत सालों के बाद ऐसा बजट आया जिसमें हर वर्ग का ध्यान रखा गया और खास तौर पे अंडर प्रिविलेज लोगों का ज्यादा ध्यान रखा गया और सरकार का फोकस था कि हम लोग ये कोशिश करें कि हमारे देश में एंटरप्रेन्योरशिप भी बढ़े और जो हमारे लोग मजदूर काम करते हैं उनको भी उनका ड्यू मिले और जो किसान है उनको भी पूरा मिले। तो मुझे लगता है बड़ा बैलेंस्ड बजट है ये, प्रोग्रेसिव बजट है और जो देश का जो हमारा एक विजन है कि हमारी इकॉनमी जो है आज लगभग $2.9 ट्रिलियन के आसपास है।
इसको हमारा विजन था कि 2030 में, मैंने एक रिसर्च पेपर भी बनाया था जिसमें मैंने बनाया कि 2030 में हम $10 trillion कैसे पहुंचेंगे, लेकिन सरकार का विजन है कि हम अगले 8 साल में ही इसको अचीव कर लेंगे और अगले 5 साल में हम $5 trillion पे पहुंच जाएंगे। तो एक बहुत बड़ा नंबर है, ये बहुत बड़ा नंबर है। यदि हम इसे अचीव करते हैं और जो हमारी प्रोग्रेस है जिसको हम देखते हैं, जो हमारी जीडीपी का पोटेंशियल है ग्रोथ का, उसको देखते हुए मुझे लगता है ये दोनों टारगेट जो है $5 trillion और $10 trillion दोनों को हम अचीव कर सकते हैं और हम एक बहुत सशक्त देश बन सकते हैं। बहुत ही अच्छी बात आपने कही, बेहतरीन। आपसे भी जानना चाहेंगे मिश्रा जी, आप इस बजट को किस तरह से देखते हैं? आप देखते हैं कि इकोनॉमिकली प्रूडेंट है या पॉलिटिकली एकदम करेक्ट है? देखिए, मैं फिर थोड़ा सा टेक्निकल होना चाहूंगा आपकी परमिशन से। हमारे कंट्री में इनइक्वालिटी ऑफ इनकम डिस्ट्रीब्यूशन है, तो जब भी इनकम रीडिस्ट्रीब्यूट होता है ऊपर के एकलन से नीचे तक आता है तो उससे कंजम्पशन बढ़ता है, क्योंकि ऊपर के जो स्टेटा के लोग हैं वो लोग खर्चा ज़्यादा नहीं करते हैं, सेव करते हैं, नीचे के लोग ज़्यादा खर्चा करते हैं। तो ये जो फार्म सपोर्ट हुआ, ये जो पेंशन स्कीम्स है, मैं ये आपको एक तरह से इनकम रीडिस्ट्रीब्यूट कर रहा है जिसके कारण कंजम्पशन बढ़ेगा और इकोनॉमी ग्रो करेगा। और इसीलिए मैं ये जो दो सब्सिडी स्कीम्स हैं इनकम सपोर्ट की, इसके बारे में मैं काफ़ी एक्साइटेड हूँ और मुझे लगता है कि इसका और भी पोटेंशियल है स्केल अप करने का, और इससे आपको डिस्ट्रेस तो कम होगा ही, पॉवर्टी तो कम होगा ही, एक इकोनॉमी को फोर्स भी मिलेगा आगे बढ़ने का। जी, बहुत अच्छी बात आपने भी कही। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। मिश्रा जी, आपका भी मैं बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहूंगी इतना कीमती वक्त हमें देने के लिए। सुनील जी, आपका भी धन्यवाद यहाँ पर आने के लिए और इतना इंपॉर्टेंट वक्त आपने हमें दिया। दिनेश जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहेंगे। तो देखिए, देश की इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था तभी आगे बढ़ती है जब देशवासियों का साथ उसको मिल जाता है, और सरकार पूरी तरह से कोशिश करती है कि वो आपके साथ बनी रहे, खड़ी रहे, डटी रहे, आपका पिलर बनके। तो आपकी भी, हमारी भी ये जिम्मेदारी बनती है कि हम अपनी सरकार का साथ दें और हम उन्हें आगे बढ़ाने के लिए जो भी हम कर सकते हैं, खास करके अगर हम टैक्सेशन या टैक्स की बात करते हैं, टैक्स भरें यानी टैक्स चोरी ना करें। आप समझ गए होंगे कि हमारा इशारा किस तरफ है। वेल, बहुत सारी रिडेम्पशंस हमें मिल गई हैं, बहुत सारे प्रोविजंस इसके लिए रखे गए हैं जिससे ये जो बजट वो पूरी तरह से एक पॉपुलिस्ट बजट करार दिया गया है, तो इसका फायदा सीधे सीधे देश के जन जन को मिलने वाला है। फिलहाल हमें दीजिए इजाजत, न्यू इंडिया संकल्प में आज के लिए इतना ही। एक बार फिर एक और नए भारत का निर्माण करने की सोच के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए आप अपना बहुत अच्छे से ख्याल रखिए, खुश रहिए। नमस्कार। Five, four, three, two, one, action. Namaste, स्वागत है आप सभी का मेरी गंगा क्विज कॉन्टेस्ट में। The questions. And the question goes to Team D. The answers.